शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। प्लान के हिसाब से जैसे तुमने बताया था, हमने खीर में दवाई मिला दी थी। वो तो मजे से सो रहा होगा, लेकिन जो असली हमलावर है, हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? हमें तो पता ही नहीं है वो कौन है। शुरुआत कैसे करनी है ये मुझे पता है बुआ जी। इसको नींद में चलने की आदत है क्या? उस खीर का असर इस पे नहीं हुआ क्या? मतलब अभय ने वो खीर नहीं खाई तो फिर अगर अभय ने वो खीर नहीं खाई तो फिर वो खीर खाई किसने? रोशनी, रोशनी, बुआ जी, अभय ने अपनी खीर रोशनी को खिला दी है। वो सब छोड़ो श्रद्धा, लेकिन हम अब अभय को कैसे रोकेंगे? हमारा प्लान तो टाटा फिश हो गया ना। बुआ जी कुछ भी करके हमें अभय को रोकना होगा। रोक नहीं सकता हमें कोई भी उस अभय को रंगे हाथ पकड़ने से। उसका भांडा कैसे फोड़ना है हमें अच्छे तरीके से आता है। बब्बर शेर अभय त्रिपाठी। अब ये चुप करेगी मेरा काम। बुआ जी किसी भी तरह से ना हमें अभय को आज बाहर जाने से रोकना होगा। तभी तो कीर्ति ने जो अभय के ऊपर इल्जाम लगाया है उस इल्जाम से हम अभय को बचा सकेंगे और सही हमलावर का पता करके हम कीर्ति की नौकरी भी बचा सकेंगे। बुआ जी क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? तुम क्या हो श्रद्धा? सबके बारे में सोच रही हो, खुद खतरा बोल लेती हो, अपनी जान जोखिम पे डालती हो। अब है जो तुम्हें पूरी तरह भुला चुका, उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हूं। बुआ जी जब बात परिवार की होती है ना तो ये सब नहीं सोचते। अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। बुआ जी आरती क्या कर रही हो यार? मेरी शर्ट दो ना, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। हाँ लाती हूँ। ये लीजिए। रहती कहाँ हो यार तुम आजकल? जो तुम्हारा दिमाग दिन भर भटका रहता है क्या ये? आप ही की तो टी शर्ट है तो अब इसमें दिक्कत क्या है? क्या कहा था मैंने कि मुझे ठंड लगने लगी इसीलिए पूरी बाजू की शर्ट पहनने लग गया हूँ, दिख नहीं रहा है तुमको? हाँ वो मैं भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। ये पहन लो। तू खुद गायब हो गई और ये जाने की तैयारी में? ये क्या? ऐसा तो क्या हो गया कि ये यहां से हिला भी नहीं? श्रद्धा तुमने ऐसा क्या जादू टोना कर दिया भाई पे? जी माफ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। वही तो हम पूछ रहे हैं कि पहाड़ गिराने के लिए तुमने कौन सा पासा फेंका? पत्थर कौन मार रहा है?
यहाँ लिखा था तुमने खत में कि अभय यहाँ से हिला भी नहीं। बुआ जी, मैंने उस पे लिखा था कि त्रिपाठी निवास में घुसना मेरे लिए कितना आसान है वो तो मैंने साबित कर दिया। इसलिए जैसे कल हमला कीर्ति पर हुआ आज रोशनी पर होगा। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने चिट्ठी में ऐसा लिखा। माता रानी मुझे माफ करें बुआ जी, मगर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि अभय अपने कमरे में ही है, वो कहीं नहीं गए। और अब हमारे पास समय बहुत कम है, मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा। तुम निकलो यहाँ से, हम हैं यहाँ पर। श्रद्धा, कहाँ भागी जा रही हो? क्यों बताऊँ मैं आपको, आपसे मतलब? रात में तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, घर वालों पे हमले हो रहे हैं और खास तौर पे घर की औरतों पे। कोई घर से बाहर नहीं जाएगा अभी। क्या, चलो जाओ अपने कमरे में और कमरा बंद कर लेना अंदर से। अच्छा, वैसे तो आप मुझे इस घर का सदस्य मानते नहीं है। अभी अभी आपके परिवार पर इतना हमला हुआ है, आप अपने परिवार को संभालिए ना, और खास तौर पे अपनी रोशनी को संभालिए। मुझे आपकी सुरक्षा की ना कोई जरूरत नहीं है। इस घर की किराएदार हो ना, तो बस इस घर का हिस्सा हो। और ऐसे भी कल तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन सबसे पहले आकर मेरे सर पे ही बंदूक रखेगी। क्या करें? बुआ जी, अरे पता नहीं चक्कर आ रहे हमको। आराम से। अब चलो यहाँ यहाँ आराम से यहाँ बैठो, आराम से बैठो। बेटा पता नहीं अचानक से हमको क्या हो गया, अंधेरा अंधेरा सा छा गया, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हमको शिकंजी बना के पिला दो। बीपी, बीपी हमारा जा रहा है। अब आराम से बैठो, मैं भी बना के लेके रहता हूँ। ये तो गहरी नींद में है, अब है भी नहीं, यही मौका है सबूत ढूंढने का, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अभी आप बिना मुझसे पूछे चुपचाप मेरे कमरे में घुस आई हैं, ये सही नहीं है। वैसे आप कर क्या रही हैं मेरे कमरे में? सबूत ढूंढ रही थी, बच गए तुम कि हमें कुछ मिला नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा नहीं। हमारी नजर ना हमेशा तुम पे रहेगी।
नजर पुलिस की अभी बब्बर शेर गैंग पे है, तो थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहना होगा। कोई चोरी नहीं, समझ आया? जितने हैं आपस में बांट लो और कुछ दिनों तक शक्ल मत दिखाओ। छोड़ो, अरे छोड़ो, छोड़ो। तुम मेरे आदमी नहीं लग रहे, कौन हो तुम? शक्ल दिखाओ अपनी। मुझे तुम पे शक उसी दिन से था जब तुमने माता रानी का वो हार चोरी किया था। तुम ही थे ना वो जो उसे मेरी पकड़ से बच गए। कीर्ति पर भी हमला तुम ही ने किया। तुम्हारे ही हाथ पर मैंने नाखून से खरोच मारा था। और अब देखो पूरी बाजू की शर्ट। मैं जानती हूँ वो तुम ही हो कुनाल जो पूरे शहर में बब्बर शेर गैंग के नाम से चोरियां करते फिर रहे हो। श्रद्धा मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो घर पे किसी को मत बताना और अपनी बहन से तो बिल्कुल मत बताना वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आरती, आरती का क्या होगा? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, माफ कर दो मुझे। यही सुनना चाहती थी ना तुम मुझसे? जाओ बता दो जाके अपनी बहन से क्या बिगाड़ लेगी वो मेरा जो मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। और क्या कहा था तुमने? मैं चोर हूं? चोर नहीं भाभी, चोर नहीं, चोर तो तुम्हारा पति अभय, अभय त्रिपाठी, बब्बर शेर गैंग वाला, याद आया? अभय को जबरदस्ती फंसाया गया है। क्या बात है भाभी जी, यू आर सो स्मार्ट। लेकिन चोरी तो हुई है ना, है ना? और तुम्हारी बहन को अभय के खिलाफ सबूत भी मिला, याद है? आईडी कार्ड कैसे पहुंचा वो? हाँ सोचा है कभी? जाओ पीटो जाके ढिंढोड़ा मेरे खिलाफ। पर ना तो तुम कुछ मेरा बिगाड़ सकती हो और ना ही अभय को अपनी बहन से बचा सकती, और वो तो पक्का सारे सबूत भी निकाल लेगी कि अभय ही बब्बर शेर गैंग का लीडर। 48 घंटों में अभी 12 घंटे बाकी, अभी रात बाकी। आज रात घर से बाहर नहीं गए तो तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे अभय? नहीं, अभी भी हमारे पास 12 घंटे हैं और अभय का सच हम बाहर ला कर रहेंगे। कीर्ति, कीर्ति बाहर आ। दीदू क्या हो गया? दीदू
अब आप ये कहेंगी कि आप बब्बर शेर गैंग ज्वाइन कर रही हैं। कीर्ति, मैं तुझे सब बताती हूँ। बुआ जी, हम में से किसी की अभय से बात तो नहीं हुई है ना? या फिर उन्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं है ना? अभय शाम से ही अपने कमरे में ही है। श्रद्धा, बेटा ये कीर्ति क्या कह रही है? क्या है ये सब? अब क्या बनी हुई है? ताई जी, ये वो कपड़े हैं जो बब्बर शेर गैंग के लोग पहनते हैं, और मैंने ये भेस इसीलिए बनाया है ताकि उन सब की सच्चाई मैं सबके सामने ला सकूं। मैं आप सबके सामने कीर्ति के हमलावर का पर्दाफाश करके रहूंगी, और जिसने कीर्ति पर हमला किया है वो कोई और नहीं, वो कुणाल है। यहां तक कि माता रानी का हार भी कुणाल ने ही चोरी किया है। बस भाभी, इस बार नहीं। आप कुणाल के ऊपर इतना भद्दा इल्जाम नहीं लगा सकते, वैसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। छोड़ो आरती, जिस तरह तुम अपने पति को बचा रही हो ना, उसी तरह ये भी अपने पति को बचाने के लिए उसका इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे। इस परिवार ने मुझे अपना माना ही कब है? कुणाल, अगर तुम इस परिवार के सदस्यों को सचमुच अपना मानते ना, तो तुम कीर्ति पर हमला कभी नहीं करते। और कीर्ति पर हमला तुम ही नहीं किया है, मैं इस बात को साबित भी कर सकती हूँ। साबित? क्या कह रहे बेटा? हाँ पापा जी, कल रात जब कीर्ति पर हमला हुआ था तो मैंने भी उस हमलावर पर उसके बाएं हाथ पे अपने नाखून से खरोच मारी थी। मेरी कीर्ति को मारने की कोशिश की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं आरती, आज नहीं। मुझे लगा था 2 साल हम सबके साथ रहेगी, इस घर में रह के तू हमारे घर का सदस्य बन गया होगा, बदल गया होगा, लेकिन नहीं। कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती। ने कुछ नहीं किया, उसके हाथ पे निशान मेरे हैं। आरती, कुणाल को बचाने के लिए तुम इस वक्त झूठ मत बोलो। आरती बेटा, श्रद्धा सही कह रही है। बेटा देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है, आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आरती बेटा, तुम अपनी भाभी को अपना दुश्मन मत समझो। हम सब जानते हैं वो बेवजह ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगाती। अभी वो करेंगी बुआ जी, अभय को बचाने के लिए दीदू कुछ भी करेंगी। अरे तुम जबरदस्ती हमारे बेटे के पीछे काहे पड़ गई हो? यहाँ वो साबित करना चाह रही है, लेकिन तुम उसकी बात काट रही हो। ठीक है, जब आप सब लोग ने मुझे बिना किसी सबूत के चोर मान ही लिया है, गुनहगार मान ही लिया है, तो ठीक है। भाभी, बांध दीजिए मेरे हाथों में हथकड़ियां, शायद तभी सबको खुशी मिलेगी, पर मुझे जेल में डाल दीजिए। और जेल में ही क्यों? आरती, तुम भी तलाक दे दो मुझे, है ना? जिंदगी में आगे बढ़ो यार, मैं बहुत बुरा इंसान हूं।
मारो मुझे, मारो 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 मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। कुणाल, कुणाल, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जेल नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे। भाभी आप क्यों कुणाल के पीछे पड़ी हाथ धोके? मैं मानती हूँ कि आपको भैया की चिंता है, पर मुझे भी उनकी उतनी ही फिक्र है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुणाल पर इल्जाम लगा दें। तो बस भाभी बख्श दीजिए उसे। चलो कुणाल। हमें लगा था हमने गलत किया उस वक्त आपके साथ बदतमीजी करके। फतीदू वो इंसान जो आपको भूल चुका है, जिसे आपकी इतनी सी भी परवाह नहीं है, किसी और लड़की के प्यार में पागल है, उसके लिए आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। हम ये नहीं सोच सकते थे। आज जो आपने किया है ना दीदू, बहुत गलत किया है। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? कैसे यकीन दिलाऊं सबको कि बब्बर शेर गैंग का लीडर कुणाल ही है? जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। कीर्ति की 48 घंटे की चुनौती में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कीर्ति क्या करेगी। हम अभय को कैसे बचाएंगे? श्रद्धा, वो भी तो अड़के बैठ गई है। कीर्ति रानी बनी जिद्दी रानी। उसकी भी जिद है कि अभय ही मुजरिम है, उसी ने सब कुछ किया है। और सच कहे तो तुम्हारी बहन को समझाना मतलब अपने सर को दीवार पे मारने के बराबर है। कोई नहीं समझा सकता उसे। चलो अंदर चलते। पंडित जी, पंडित जी यहाँ पर क्यों आए? भाभी, पंडित जी। अरे हमने ही बुलाया है। पंडित जी अभय और रोशनी की शादी की तारीख पक्की करने आए हैं। हाँ इन दोनों की कुंडली देखने के बाद आज से 1 महीने के बाद की तारीख बहुत ही शुभ है विवाह के लिए। अरे वाह पंडित जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलिए फिर हमें आज्ञा दीजिए, हमें पूजा कराने जाना है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो तुम दोनों। तुम भी। समय इतना कम है और बहुत सारा काम है, हम अभी आते हैं। हाँ भाभी, यहाँ कीर्ति की नौकरी दांव पर लगी है। वो आपके बेटे की बैंड बजवाने पे तुली है और आप है कि उसी बेटे के नाम की शहनाइयां बजवाने की तैयारी कर रही है। अरे ऋतु, आप क्या कह रही है? हमारे बेटे ने क्या किया है तो बताओ। मतलब रात गई तो आप बात भी बोल गई। कीर्ति अभय को किसी भी कीमत पर जेल पहुँचाने पे तुली है। ऋतु, हमारे बेटे ने जब कुछ किया ही नहीं है तो वो डरे का है। और वैसे भी इन चक्रों में ना हमारे लिए सिर्फ एक बात मायने रखती है, हमारे बेटे की खुशी। भाभी हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि घर का माहौल थोड़ा ठंडा होने देते, उसके बाद हम इस पे बातचीत करेंगे ना। बातचीत करने को रह क्या गया है ऋतु? अभय रोशनी से प्यार करता है, वो उसके साथ खुश है।
वैसे भी कीर्ति को कोई सबूत नहीं मिला है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। अब हम क्या करेंगे? 40 घंटे पूरे होने वाले हैं। कीर्ति तुम शांत हो जाओ, इसे घबरा के तुम्हें सबूत तो नहीं मिल जाएंगे। उस दिन आपने तहश में आके बोल तो दिया कि अगर चोर नहीं मिला तो आप नौकरी छोड़ देंगी, लेकिन ऐसे कोई नौकरी छोड़ता थोड़ी है, आप चिंता मत कीजिए। कीर्ति आप क्या हमें इस्तीफा देते हुए देखना चाहती हैं? इसीलिए आई है ना यहाँ? कैसी बातें कर रही है तू कीर्ति? बहन है तू मेरी, जब तू यूपीएससी का एग्जाम पास करके आई थी ना, सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई थी। मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा अगर तू अपनी नौकरी छोड़ दे। मगर कीर्ति अभय गुनहगार नहीं है, मैं तेरे सामने असली गुनहगार का चेहरा भी लेकर आई थी, लेकिन तू उससे पूछताछ तक नहीं करना चाहती। मैं कह रही हूँ तुझे, कुणाल ही असली गुनहगार है, वो सजा के लायक है। 48 घंटे पूरे होने में अभी भी 10 मिनट बाकी है, सोच समझ के फैसला ले। एएसपी कीर्ति त्रिपाठी, तो बताइए एएसपी कीर्ति त्रिपाठी, 48 घंटे पूरे होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, कहाँ है आपका चोर? चोर नहीं तो कम से कम अपना इस्तीफा ही दिखा दो। मैम, कीर्ति त्रिपाठी जैसी होनहार अफसर जो पूरे शहर की सुरक्षा के लिए, आप सबकी सुरक्षा के लिए दिन रात लगी रहती है, यहाँ तक कि अपनी जान तक को दाव पर लगाने के लिए तैयार रहती है, उसे आप इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही हैं, और आप सब ये जानते हैं कि एएसपी कीर्ति त्रिपाठी पर एक जानलेवा हमला हुआ है। आपको हमारी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है श्रद्धा त्रिपाठी, हमने फैसला कर लिया है। तो क्या फैसला ले लिया आपने ऑफिसर कीर्ति त्रिपाठी? जैसा कि हमने वादा किया था कि पिछले 48 घंटे में अगर हम चोर को नहीं पकड़ पाए तो हम अपना काम छोड़ देंगे, इसीलिए हम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। हमें एक जिम्मेदारी दी गई थी जिसे हम पूरा नहीं कर पाए। हमने वादा किया था कि वफर शेर गैंग को हम पकड़ लेंगे। हम नाकाम हैं अब रहे, हम कानपुर वासी के गुनहगार हैं, और इसीलिए आज इसी वक्त हम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब कानपुर की और कानपुर वासियों की सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं है। उम्मीद है कि मैम आपको खुशी मिली होगी। आप सब अब जा सकते हैं। नमस्कार। ये थी मैडम चौकस के नाम से प्रसिद्ध एएसपी कृति त्रिपाठी। जब इनके 48 घंटों में बब्बर शेप गैंग को पकड़ पाने के दावों की हवा निकल गई तो आज इन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उस गैंग का क्या? क्या उसका आतंक कानपुर पर जारी रहेगा? और कीर्ति त्रिपाठी की नाकामयाबी का क्या? पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नाकामयाब वो होते हैं जो अपने काम को बीच में छोड़ देते हैं, और एएसपी कीर्ति त्रिपाठी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हालात हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ने, कीर्ति त्रिपाठी ने अपने इस काम को पूरा करने में अपनी जान की बाजी नहीं लगाई। आप सबको अपना जवाब मिल गया, प्लीज आप जा सकते हैं। कीर्ति तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, तेरी इस मेहनत को, तेरे काम के प्रति लगन को,
मैं कभी बर्बाद जाने नहीं दूंगी। अरे भगवान के लिए बस करिए, बस करिए अपनी इस महानता का नाटक। दीदू हर चीज में ना हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, हम संभाल देंगे, नहीं होता। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो आप नहीं कर सकती, तो हमें ना हमारा देखने दीजिए प्लीज। कीर्ति मैं जानती हूँ तो इस वक्त बहुत परेशान है, लेकिन क्या तू तू अपने दीदू पर भरोसा भी नहीं रखेगी? तू देखना कीर्ति, असली गुनहगार बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, बस हमें एक सबूत चाहिए। हमें? आपको सबूत क्यों चाहिए? आप पुलिस में भर्ती हो रही हैं? नहीं ना, अगर नहीं हो रही है तो फिर हमारा काम खराब क्यों किया? हमें पता है गुनहगार कौन है, पर आपको वो पसंद नहीं आया इसीलिए आपने उसे बचा लिया। दीदू गुनहगार ना अभय है। एक मिनट, एक तो खुद की ड्यूटी तुम ठीक से कर नहीं पा रही हो, उसके ऊपर से हमारे बेटे पे दनादन तुम इल्जाम लगाए जा रही हो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? तनुजा जी, ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है। हाँ, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस एक बार हमें सबूत मिल जाए ना फिर तो देख। अभी तो हमें आपकी शक्ल देखकर गुस्सा आ रहा है, सिर्फ ये याद आएगा कि कैसे आपने हमारा बना बनाया पूरा केस बर्बाद कर दिया। श्रद्धा भगवान के लिए, कभी तो कीर्ति को अपने फैसले खुद लेने दो। ऐसा तो नहीं है कि जब तक तुम खुश होके उसे आशीर्वाद नहीं दे देते तब तक वो अपने मन की कुछ कर ही नहीं सकती। उसने अपना फैसला ले लिया, अब तुम उसे बदलने की कोशिश मत करो। हमारी कोशिश कामयाब रही, कीर्ति त्रिपाठी ने इस्तीफे की घोषणा कर ही दी। हो गया, एक ही तीर से दोनों बहनों का शिकार, क्या बात। तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल पे बारह क्यों बजे? कुणाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे ना कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे सच बताओगे? तुम्हारे हाथ पर ये जो निशान है खरोच के, क्या वो श्रद्धा भाभी के है? पत्नी का काम होता है चुपचाप अपनी आंख कान दिमाग बंद करके पति की हर बात मानना, ना कि पति से उल्टे सवाल करना। फिर कभी अगर तुमने मुझसे ऐसे उल्टे सवाल किए ना तो आरती, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुणाल ने कुछ किया? आप क्यों कुणाल के पीछे पड़ी हैं भाभी? कुणाल ने कुछ नहीं किया है, कुणाल मेरे पति हैं, प्यार करती हूँ मैं उनसे। आप प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। आरती, कभी कभी गलत का साथ देना गलत करने वाले से ज्यादा गलत होता है, और उससे भी ज्यादा गलत होता है गलत सहना। आरती, एक बार पहले भी तुमने ये गलती की थी कुणाल पर विश्वास करके। अपने दिल से पूछो आरती, तुम्हें नहीं महसूस हो रहा कि तुम वही गलती फिर से कर रही हो? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है,
आपको आपको कोई गलत फहमी हुई है। आरती, एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ होने से पहले हम एक औरत हैं, इंसान हैं, और हमारा भी एक अस्तित्व है। और इस अस्तित्व को, इस वजूद को कभी भी रिश्तों के बोझ तले दबने मत देना। रिश्तों का फर्ज निभाने से ज्यादा हमें हमारा आत्मसम्मान जिंदा रखता है। कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि कोई तुम्हारे इस आत्मसम्मान को, इस वजूद को चोट पहुंचा रहा है, तो याद रखना आरती, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। कीर्ति, तुम सुबह सुबह से तैयार हो के? वरुण जी, हमें पुलिस हेडक्वार्टर जाना है, अपनी सर्विस रिवॉल्वर वहाँ वापस करनी है और कुछ कागजी फॉर्मेलिटीज हैं, वो सब करनी है। मैं समझ सकता हूँ। कीर्ति, आज मुझे तुम पे गर्व है कि तुमने बहुत ही अच्छा और सही फैसला लिया। देखो, एक लड़की के लिए पुलिस की नौकरी करना और साथ में घर संभालना, दोनों पे बराबर ध्यान देना नामुमकिन जैसा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी हुआ वो ठीक ही हुआ। अब देखो ना, तुम अपनी पुलिस की नौकरी में इतनी बिजी हो गई थी कि घर पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। मम्मी की भी उम्र हो गई और उनकी तबीयत भी इतनी ख़राब रहती है। मम्मी को अब तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे भी कीर्ति। और हमारी जरूरत का क्या वरुण जी? अभी हमारी जरूरत थी कि आप हमें समझें, हमारी नाकामी को ना गिनवा के हमारी कोशिशों को गिनवाएं। आपने भी नौकरी में बहुत ठोकरी खाई है ना, तो फिर कम से कम हमें लगा था आप तो समझेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं समझ सकता हूँ। तो क्या मतलब था आपका? मन ही मन आप बहुत खुश हो रहे होंगे ना वरुण जी, कि आपने अपनी बीवी को घर पे बैठा दी, यही चाहते थे ना वरुण जी? आपको याद है, आप और दीदू ही थे जिन्होंने हमारे पुलिस की नौकरी के लिए हमें बढ़ावा दिया था। शायद तभी आपको दीदू से प्रेरणा मिल रही होगी, और अफसोस आपकी सोच बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई हो? मेरे लिए तुम आज भी वही मेरी स्वीटू, अरे जिसको मैंने इतनी खुली छूट दे रखी थी, कितना खुश रहती थी। चलो अब तुम जल्दी से जाओ, अपना काम खत्म करके आओ, फिर ना हम कहीं घूमने के लिए चलेंगे। अब तुम ये कॉफी पियो, मैं बस अभी आया। आज तक आपसे क्या किसी से भी पूछ के कोई फैसला नहीं लिया है। हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। श्रद्धा, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं कुछ भी कहूं तुम सुधरोगी नहीं ना? क्या कहना चाहती हो तुम रोशनी? साफ साफ कहो ना। बनो मत श्रद्धा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस घर में वापस लौटने के इरादे मुझे समझ नहीं आएंगे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जानबूझकर मेरे खाने में नींद की दवाई मिलाई ना, जिससे तुम्हें अभय के करीब आने के मौके मिल जाए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है रोशनी। श्रद्धा, शायद तुम भूल रही हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। नींद और बेहोशी में मुझे फर्क समझ आता है, और
तुम तो बड़ा कहती थी कि तुम्हें सिर्फ अभय की खुशी चाहिए। भूल गई क्या कि अभय की खुशी सिर्फ मेरे साथ है? तो यहाँ नाटक क्यों कर रही हो? हाँ बकवास बंद करो अपनी रोशनी। और नाटक कौन कर रहा है उसका हिसाब अगर मैं यहाँ पर देने लग गई ना तो इस घर से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। समझी तुम? रोशनी, अरे तुम अचानक से कैसे गिर गई? अबे अबे बहुत दर्द हो रहा है। चलो उठो। अबे बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। अरे अरे हे भगवान, रोशनी क्या हो गया तुम्हें? हो अरे तुम ऐसे चिल्लाई, तुम्हें पता है खिड़की पे जितनी चिड़िया थी सब उड़ गई। हाँ जी वो श्रद्धा ने। मुझे लग रहा है मोच आ गई। ओ मोच आ गई, ये तो बहुत ही गलत हुआ। कोई बात नहीं, हम है ना, हम तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे कि फुदकते हुए घर से बाहर भाग जाओगी। हमारा मतलब था कि हम है ना, हम तुम्हारी चोट पे मरहम लगा देंगे। चलो हमारे साथ कपड़े आओ, आराम से उठो उठो उठो। रोशनी बेटा ध्यान से, कहीं दाएं पैर की चोट दाएं पैर में ना चली जाए। चलो तुम भी बेचारी की जान के पीछे पड़ी रहती हो ना। क्या किया मैंने? मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर इसे धक्का मारा है। मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं और ऐसी हरकतें करने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। यार कितनी बेशर्म हो तुम यार। बेचारी रोशनी दर्द में है तो तुम उसका मजाक बना रही हो ये दर्द का नाटक करके। दुआ जी बिना पता नहीं तुम्हारी फैन बनी फिरती है। अपना भूरा चेहरा दिखा के ना पूरे परिवार को फंसा के रखा है तुमने। दिमाग बहुत तेज है तुम्हें, षड्यंत्र रचती हो ना तुम। अपनी लग रहा है आपको कि इसमें भी मैं कोई षड्यंत्र रच रही हूँ? मुझे आपकी मदद चाहिए ही नहीं। थोड़ी अपना हाथ हटाइए। Thank you.
चलती फिरती उदाहरण हो तुम उस कहावत की, आ बैल मुझे मार। चोर को खुद बुलाते हो ना अपने पास तुम। अब ऐसी भूली आंखों से देख के ना ये मत समझना कि मेरी डांट से बच जाओगी तुम, थोड़ा भी ध्यान नहीं रखती हो अपना तुम, थोड़ा भी ध्यान नहीं रखती हो ना अपना, कैसे ना कैसे करके चोट लगा ही लेते हो खुद को। आपका दर्द हम समझ सकते हैं, पर एक बात जरूर कहेंगे, जिस शिद्दत से आपने अपना काम किया है ना, हमें और आपके पापा जी को आप पे हमेशा गर्व रहेगा। आप थक गई होंगी ना, आराम कीजिए और फिर जब आप चाहेंगे ना तब हम बैठ के बात करेंगे। अरे बातें बातें छोड़ो ना मम्मी, देखो मैं क्या लेके आया। वरुण ये सब क्या है बेटा? कीर्ति के पसंद के जूते, कीर्ति के पसंद के कपड़े और भी बहुत कुछ। बहुत अच्छा किया जो आपने कीर्ति के बारे में सोचा। अरे चलिए चलिए दिखाइए आप हमारी कीर्ति के लिए क्या क्या लाए हैं। मम्मी लाया तो बहुत कुछ हूँ लेकिन इन सब में सबसे खास ये हार। इसकी क्या जरूरत? अरे स्वीटू मम्मी, अगर मैं अपनी पत्नी के लिए इतना भी ना कर पाऊं तो लानत है मुझ पे। वरुण जी हार ये कितने का है? अरे क्या स्वीटू, अब तुम मेरे प्यार को हार की कीमत से तोलोगी? कीर्ति बेटा अगर मिल रहा है तो ले लीजिए ना, बहुत कम ऐसा होता है कि बिना मांगे गिफ्ट्स मिलते हैं। चलिए आप दोनों गिफ्ट्स देखिए बाकी के सारे और हम आपके लिए चाय बनाते हैं। चलो आप यहाँ पे बैठो बैठो बैठो। स्वीटू आज तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जिस कीर्ति पे मैं पहली नजर में ही फिदा हो गया था। सचमुच ये हार ना तुम पे बहुत जच रहा है। ये फोन पक्का बब्बर शेर गैंग वालों में से ही किसी का होगा। अब मुझे कुछ जरूरी काम है, ज्यादा उछल कूद मत करना, आराम करो। अगर अभय उन लोगों के पास दोबारा गए तो कहीं फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। अभय श्रद्धा बैठ के जितना दिमाग दौड़ाना है दौड़ा लो, पर एक दिन के लिए तो अपने पैर को आराम दे सकती हूँ ना। पर नहीं, क्या जरूरत थी बैठ से उठने की जब मैंने मना किया तुम्हें? मैं तो वो आप क्या मैं तो वो आप जिस चीज के लिए मना करो वही करनी है तुम्हें। मैं तो बस बस समझ में कहा था तुम्हें कुछ भी? पहले आप ये समझिए कि मैं यहाँ पे गिर गई हूँ, मेरे पैर में चोट आई है, आपको मेरी मदद करनी चाहिए और आप है कि आप जवाब दोगी क्यों उठी बैठ से? एक तो यहाँ पे एक लड़की को चोट लग गई है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन नहीं आप उल्टा उसमें ही भड़क रहे हैं। वैसे ऐसा कौन सा काम आ गया आपको जो आपको इसी वक्त कहीं बाहर जाना है? अच्छा हमारा ऐसा क्या रिश्ता है तो ये फालतू के सवाल करती रहते हो मुझसे तुम? फोन ही नहीं उठा रहे ले।
हो क्या गया शेरा भाई को? इस लड़की ने फंसाया उन्हें। फंसा दिया मुझे जबरदस्ती यहाँ। खुद को काम हो तो दर्द पे भी पहाड़ सर पे उठा लोगी। अब मुझे जाना है तो जबरदस्ती बांध कर रखा मुझे अपने साथ। मैं जा रहा हूं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये लड़की शेरा भाई के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाएगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे रास्ते से हटा दो, मार डालो इसे। यार एक तो तुम्हारे ये बाल, इनको बांध के क्यों नहीं रखती है? क्या देख रही है? मुझे जाना है जरूरी काम से, चलो उठो। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आपको इस वक्त जाना है अभय जी? अच्छा, ताजा हवा खाने के लिए आप बाहर जाते हैं। बाहर बहुत ठंड है, सर्दी लग जाएगी आपको, समझे? अच्छा, इसका मतलब किसी बहुत जरूरी काम से जाना होगा ना आपको बाहर? हाँ, इतनी ठंड में बोलिए। तुम्हें क्यों जानना है मैं क्या काम करता हूँ? तुम्हें क्या लेना देना मेरे काम से? हटो। अब बहुत मजाक हो गया, चुपचाप यहाँ बैठी रहो, मैं जा रहा हूँ। हाँ राजा भाई, मुझे नहीं लगता इस बार बॉस से बिना बताए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। हाँ राजा, पता चला कि इसके चक्कर में बॉस हम लोग की खटिया खड़ी कर दे। अबे ये तुम्हारा बॉस है कौन जिससे तुम इतना डरते हो? कौन है ये, कहाँ है? मैंने तो कभी नहीं देखा उसे तुम लोगों के साथ। देखा तो कभी मैंने भी नहीं है कुणाल भाई, सिर्फ आवाजें सुन ली है। अब चोरी हम लोग की गैंगिज करती है, लेकिन चोरी के पीछे पूरा दिमाग ना बॉस का रहता है, और अगर उनका दिमाग सटक गया ना तो पूरी मुसीबत तो अपने पे आएगी ना भाई। और ऐसे भी तेरे बोलने पे वो छोकरा भाई को अपने काम पे डाला ना मैंने, वो भी बॉस को बिना बताए। किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इससे इतना कहना है कि ये तुम्हारा शेरा भाई है, बब्बर शेर गैंग का लीडर, और पिछले 10 सालों से तुम लोगों के साथ चोरियां करता आ रहा है। अच्छा, बस इतना बोल देने के पीछे 10 साल से हम लोग के साथ चोरियां कर रहा है, ये मेरे चाचा का लड़का लगता है क्या जो मेरी बात मानेगा? हाँ अबे याददाश्त जा चुकी है इसकी, फ्यूज उड़ गया इसका, और पिछले 10 सालों का इसे कुछ भी याद नहीं, पर अकड़ इसकी लॉन्डो वाली है। तो इसे एक बार बोलेगा ना ये तेरा बॉस है और इसके बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो देख कैसे उछल के सारी बात मानेगा। और उस दिन तेरे बोलने पे तेरी तो बात मान गया था मैं, लेकिन हुआ क्या, पूरा लफड़ा तो अपने ही सर पे आया ना। और ऊपर से तू बॉस के नाम पे मांस बीस लगा के चोरियां कर रहा है। अच्छा, और मैंने कौन सा सारा पैसा अपनी जेब में डाल लिया है? तुम लोगों का हिस्सा तुम्हें देता हूँ ना, वरना वो अब है जो सारा पैसा तुम लोगों का उन गरीबों में बांट देता है। ज्यादा दिमाग मत लगा, जो बोल रहा हूँ वो कर, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ठीक है, लेकिन यह आखिरी बार तेरी बात मान रहा हूं। क्या नाटक है ये? अब मुझे ना सचमुच बहुत बहुत दर्द हो रहा है, आप आज के लिए रुक जाइए ना। देखिए घर में कोई है भी नहीं, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मेरी मदद कौन करेगा? अरे श्रद्धा, एक डॉक्टर से बेहतर तुम्हारी मदद और कौन कर सकता है ना?
सही वक्त पे आई हो रोशनी, कुछ श्रद्धा के ना पैर पे मोच आ गई, तुम प्लीज देख लो मुझे कुछ खाना है। बाय। अबे अबे, अरे श्रद्धा मैं हूँ ना, जैसे मैंने अपनी मोच चुटकियों में ठीक कर दी वैसी मैं तुम्हारी भी ठीक कर दूंगी। बहुत चल रहा है। ओ, तुम्हें चल रहा है? जानती हो रोशनी, प्रॉब्लम ये है रोशनी कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना अभय किस मुसीबत में है या नहीं। मैं अभय को जानबूझ के रोक रही थी, उनके ऊपर पहले से ही चोरी के इल्जाम है, कीर्ति के ऊपर हमला जो हुआ उसका भी इल्जाम अभय के ही सर पे है। अब अभय को कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम लोगों पे हमला किसने किया, ये सब कैसे हुआ है? चलो अपने लोग की गैंग के नाम पे चोरियां कर रहे थे, हमारी हड्डी फसली एक कर दी भाई, उल्टा उसके बॉस ने तो तुमको भी धमकी दी ले कि वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा भाई। उनके बॉस की तो मैं पहले हमारे नाम पे गरीबों को लूटा, उन्हें मारा और अब ये सब कुछ, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, आप लोग यहाँ कैसे? भाभी जी, बच्चों के स्कूल के क्रिसमस फंक्शन के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हम लेकर आते हैं। कोई बात नहीं है कीर्ति, मैं देता हूँ। शुक्रिया वरुण बेटा। वैसे तो हम चाहते थे कि इस साल क्रिसमस उत्सव पे कीर्ति चीफ गेस्ट बनकर आए, लेकिन पता चला कि इसने नौकरी छोड़ दी है, शायद इसीलिए प्रिंसिपल मैडम ने मना कर दिया। सुनकर बुरा तो लगा होगा, पर अब क्या कर सकते हैं ना? जब हमें अपने फैसले पे पछतावा नहीं है तो आप लोग हमारे लिए अफसोस क्यों कर रही हैं? हाँ, पर तुम जिस जोश से उस बबर शेर गैंग को पकड़ने में जुटी थी और पकड़ नहीं पाई तो बुरा तो लगेगा ही ना। मिसेस शर्मा, आपको आपका चंदा मिल गया ना, तो चलिए। भाभी जी, आप हम पर क्यों भड़क रही है, पूरा मोहल्ला यही बात तो कर रहा है। हाँ, कीर्ति ने ताव में आकर 48 घंटे की चुनौती तो ले ली, लेकिन वो ये काम कर नहीं पाई क्योंकि तुम इस काम के काबिल ही नहीं थी। मेरी बहन को अपनी काबिलियत किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं है आंटी। कितना आसान है ना आपके लिए अपने घर में परिवार के साथ शांति से बिल्कुल सुरक्षित बैठकर किसी और की काबिलियत पर कप्पे मारना। जिस वक्त आप ये कर रहे थे ना, उस वक्त मेरी बहन धूप में, ठंड में, बारिश में अपनी ड्यूटी कर रही थी। जब आपको कीर्ति की मदद चाहिए थी, आपकी मदद करने के लिए वो हमेशा खड़ी रही है, लेकिन आज आज जब आप सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए तो उसकी काबिलियत पर गप्पे हाँकने आप हमारे घर तक चले आए। दीदू, हम खुद को संभाल सकते हैं, आपको हमारे लिए हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे भी इस बारे में जो बात होनी थी वो हो चुकी है। कीर्ति ने बहुत सोच समझ के डिसाइड किया है कि अब वो नौकरी नहीं करेगी बल्कि अपना घर संभालेगी। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही फैसला किया तुमने, और वैसे भी औरत का काम क्या होता है, घर परिवार संभालना। ये कैसी सोच सकती हैं आप? किसने कह दिया कि एक औरत का दायरा सिर्फ घर परिवार और बच्चे तक ही सीमित है? ऐसी ही सोच की वजह से ना लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अपने बेटों से तो आप ऐसी उम्मीद कभी नहीं रखती, क्यों नहीं जाते उनसे कहते कि वो घर परिवार और बाहर का काम एक साथ करें? लेकिन बात जब बेटी और बहुओं पर आती है ना, तो आप जैसे लोग सबसे पहले उन्हें कटघरे में उतार देते हैं। हमारी बहू कीर्ति खरा सोना है, वो जितनी अच्छी बहू है उतनी ही अच्छी अफसर भी है। हमें गर्व है अपनी बहू पे। अब अगर आपका तमाशा खत्म हो गया हो तो आप जा सकती हैं। नमस्ते। कीर्ति, मैं जानती हूं तू मुझसे बहुत नाराज है, मगर एक बार मेरी बात तो सुन ले। कुछ सुनने समझने के लिए रह गया है क्या दीदू?
हमारी खुद की बहन। आपने सच और गलत समझना छोड़ दिया है तो हम बाहर वाले से क्या उम्मीद रखें? आपको भी पता है कि इस बार आपने गलत का साथ दिया है और उसी का नतीजा है कि आपकी बहन को इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। जो भी हुआ है ना, आपकी वजह से हो रहा है। श्रद्धा बेटा, कीर्ति को थोड़ा समय दीजिए। अभी गुस्से से ज्यादा दुखी है वो। आप सही कह रही हैं ताई जी, एक बार कीर्ति का गुस्सा शांत हो जाए फिर उससे बात करने की कोशिश करूंगी। हमें एक जिम्मेदारी दी गई थी जिसे हम पूरा नहीं कर पाए और इसीलिए हम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। तुम्हारा दिमाग चलते चलते लखनऊ पहुंच गया या नहीं? कहां कोई हो, कीर्ति के लिए परेशान होना? कुछ नहीं बुआ जी, मैं ठीक हूं। मिला है तुमने इसमें? मैंने क्या रोशनी जी, कुछ भी नहीं, दाल में नमक मिला है। डॉक्टर हूं मैं, मसाले में केमिकल को अच्छे से सूंघ सकती हूँ। बताओ क्या मिला है इसमें, क्या मैं अभय को बुलाऊं? अभी अभय के लिए नींद की दवा मिलाई है मैंने। आप भी चाहती है कि श्रद्धा यहाँ से और अभय भैया की जिंदगी से चली जाए, है ना? तो बस इस बार इस नौकर की मदद कर दीजिए। और नौकर नहीं हो तुम, मुझे सब पता है तुम आरती के पति हो। तो मेरे सामने ये नाटक मत करो। ये नाटक तो मैंने अपने भैया के लिए चालू रखा था। ठीक है कोई बात नहीं, अब आप भी तो मेरे परिवार का हिस्सा होने वाली है। लेकिन श्रद्धा के इस परिवार में रहते हुए आपको परिवार का हिस्सा बोलने का मौका मिलेगा या नहीं पता। लेकिन इन सब में तुम्हारा क्या फायदा है? और फिर तुम श्रद्धा को लेकर कहाँ जाओगे? और समझ लीजिए कि आपके और अभय भैया के बीच से कोसों दूर हमेशा हमेशा के। एक तो ये जनाब अपनी धुन में रहते हैं, तू सुनेगा या पिटेगा? जी भैया, कभी तो काम पे ध्यान दे। रोटी ला मेरे लिए। तुझे पता ना मैं ठंडी रोटी नहीं खाता हूं, चल जा दो रोटी बना के लेकर आ मेरे लिए, जा। जी बहुत गर्मी चढ़ी है ना तुझमें अपने त्रिपाठी, अब देख मैं तेरी और तेरी श्रद्धा के साथ क्या करता हूं। सो नहीं सकती, ये चक्कर तो क्यों आ रहा है? हाँ।
तुमने अपना काम कर दिया है, अब मेरी बारी है। इसे घर से निकलवाने की जिम्मेदारी अब मेरी। तुम देखना, अब इसको मैं ऐसा बनाऊंगी ना कि तुम भी नहीं पहचान पाओगे। देख लो भाई, जिंगल वैली के उलिये में आया था तुमको टपकाने के लिए। ये भाई दूसरी गैंग का बॉस है। वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे पकड़ लिए ले इसको मैंने। तो बहुत तेज है ये भाई। सही किया तूने राजा, हमारे नाम पे गरीबों के साथ बहुत गलत किया इसने। मैं तो बोलता हूँ भाई, इधर ही ठोक डालो इसको। ये लो, अब इसकी किस्मत ना तुम्हारे ही छाते है भाई। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।